और वहीं यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन यूक्रेन आक्रामक पुतिन पलटन के सामने टिका है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है पश्चिमी और यूरोपीय देशों से मिलने वाले हथियार। अब इस रिपोर्ट में आप देखिए कैसे रूसी फौजियों को इन्हीं विनाशक हथियारों के दम पर निशाना लगातार यूक्रेन बना रहा है। दुनिया भर से मिले घातक हथियारों का असल जंग के मैदान में किस तरह होता है आपके सामने है। देखिए किस तरह ज़ेलेंस्की के योद्धा रूसी ठिकानों पर कहर बरपा रहे हैं। होविट्ज़र के जरिए पुतिन पलटन के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दरअसल इस वीडियो में जिस 155 होविट्ज़र का इस्तेमाल हो रहा है वो घातक हथियार यूक्रेन को इटली और एस्टोनिया से मिले। इस बीच ब्रिटेन से मिले होविट्ज़र तोप ने भी यूक्रेन की समर भूमि पर गरजना शुरू कर दिया है। हालांकि ब्रिटेन की ओर से 30 सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्ज़र गन दी जानी है, लेकिन हथियारों की जबरदस्त सप्लाई का विरोध जर्मनी में भी शुरू हो गया, जहां शहर में यूक्रेन को घातक हथियार दिए जाने का विरोध हो रहा है। यानी साफ है आने वाले दिनों में यूरोपीय और पश्चिमी देशों से मिलने वाले वेपन वॉर की रुख तय करने के लिए काफी है। इसी वजह से यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ज्यादा से ज्यादा हथियार देने की मांग कर चुके हैं।